तो बिना डॉक्यूमेंट्स के लोन मिल जाना किसी लॉटरी से कम नहीं लगता है ना। पर क्या हो जब आपको लोन लेना इतना भारी पड़ जाए कि आपको अपनी जान देनी पड़े। बिल्कुल ये सच बात है, क्योंकि अभी मार्केट में लगभग 600 से ज्यादा ऐसी एप्लीकेशंस घूम रही हैं, होम लोन एप्लीकेशंस, जो आपके लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये हमारे देश का सबसे बड़ा बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया खुद कहता है कि अभी जो एप्लीकेशंस मार्केट में है वो आपके लिए बिल्कुल सेफ नहीं है, पैसों के डाउन्स में भी और आपकी पर्सनल आइडेंटिटी के डाउन्स में। तो ये जो एप्लीकेशंस होती है ना, जैसे आप इनको डाउनलोड करते हैं तो ये आपके फ़ोन में जितने भी कॉन्टैक्ट होते हैं उनका एक्सेस ले लेते हैं और आपकी जो गैलरी होती है उनका भी एक्सेस ले लेते हैं। पुणे में रहने वाले एक राहुल नाम के पर्सन ऐसे ही दलदल में फंस गए, और वो इतने बुरी तरीके से फंस गए ना कि वो अपनी मतलब वाइफ के जो ज्वेलरी होती है, जो गहने होते हैं, वो भी बेचने के बाद भी ना लोन को चुका नहीं पाए। और ये लोन वो था जिसका उन्होंने आधा अमाउंट मांगा था, बट उनको लोन डबल मिला। और फिर हुआ क्या, वही हुआ जो सबके साथ हो रहा है आजकल, कि उनको धमकी भरे कॉल आने लग गए, उनको मैसेजेस आने लग गए, उनके कॉन्टैक्ट लिस्ट में जो व्हाट्सएप पे लोग थे उनको उनकी मॉफ्ड पिक्चर्स आने लग गई कि अगर इस पर्सन ने पैसे नहीं दिए हैं या फिर अगर तुमने पैसे नहीं दिए तो हम तुम्हारी फोटोज़ को लीक कर देंगे। और ये लोग फोटोशॉप में बहुत ख़राब होते हैं, ठीक है, लेकिन कुछ लोग अब जो फेक एप्लीकेशन वाले हैं, कुछ लोग आजकल फोटोशॉप पे बैठे हुए हैं और वो इस तरीके की जो फोटोज़ होती हैं इस तरीके से एडिट करते हैं कि एक सामने वाले पर्सन की लाइफ ख़राब हो सकती है। तो अब सवाल आता है कि इनसे बचा कैसे जाए। तो इस वीडियो के एंड तक ना आपको सब समझ आ जाएगा इनसे बचना कैसे है और हमेशा सेफ कैसे रहना है। तो हु ऑपरेट्स फेक लोन एप्लीकेशन। तो गाइस, पिछले 2 साल के अंदर जो ऑफिशियल रिपोर्ट्स है वो बहुत चौंकाने वाली है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 2562 ऐसे केस रजिस्टर्ड हुए हैं जिसमें हाल फिलहाल महाराष्ट्र में रहने वाले लोगों का सबसे ज्यादा और सबसे बड़ा चूना लगा है, क्योंकि इसमें लगभग 550 जो केसेस हैं वो वहीं के दर्ज हैं। और जो कर्नाटका है और दिल्ली है वो भी सबसे ऊपर है इस लिस्ट में। और जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इन एप्लीकेशंस को चेक किया तो कुछ एप्लीकेशंस में ये मिला कि इनके जो लिंक्स है ना वो सीधा चाइना से कनेक्टेड है। लेकिन यार पता है बुरी बात क्या है, जो इनको चलवा रहा है ना वो एक्चुअल में जो इनको प्रोवाइड करा रहा है चाइना को, वो इंडिया में ही बैठ के लोग करा रहे हैं और इंडियंस ही हैं। मतलब कि मैटर जो है वो काफ़ी ज़्यादा सीरियस है। और इनका जो सबसे बड़ा जो हथियार है जिसको वो यूज़ करते हैं वो ब्लैकमेलिंग है, कि जब ये एप्लीकेशंस बन जाती हैं और इनको जो ऑपरेट करने वाले समझ जाते हैं कि यार एप्लीकेशन चल चुकी है, इनका नाम हो चुका है, तब वो पैसा लेते हैं। क्योंकि जो चाइना में इन्वेस्टर्स बैठे हैं उन्होंने हज़ारों करोड़ रुपए ना उनको कहीं ना कहीं पैसे लगाने पड़ते हैं, जो रिच लोग होते हैं, तो ऐसी एप्लीकेशंस को बनाते हैं और वो खुद काम नहीं करते, वो जो दिमाग वाले लोग हैं वो हायर कर लेते हैं। जैसे इलॉन मस्क क्या करते हैं, वो सारी चीज़ें खुद नहीं करते, वो अपने से स्मार्ट लोगों को हायर कर लेते हैं। तो ये लोग अपने से स्मार्ट लोगों को हायर करके अपना पैसा उनको दे देते हैं और कहते हैं लो मुझे रिटर्न ला के दो। और ये बिजनेस उनके लिए भी काफ़ी रिस्की होता है, क्योंकि वो जो पैसा होता है मोस्ट केसेस में रिकवर ही नहीं हो पाता, या फिर जो लोग होते हैं जो इंडियंस होते हैं, आप जानते हो इंडिया में लोग कैसे हैं, वो सिम विम तोड़ के फेंक देते हैं और कहते हैं भाई हम नहीं करने वाले। लेकिन स्टिल इट्स वेरी सीरियस हाउ दीज एप्लीकेशंस वर्क। देखो सबसे पहले क्या होता है कि ये जो एप्लीकेशंस होती है ना ये पहले ही आपको सजेशन देना शुरू कर देती है। और जैसे ही आप इन एप्लीकेशंस को डाउनलोड कर लेते हो ना तो इनका जो रजिस्ट्रेशन होता है ना वो इतना सिंपल होता है जैसे कि आप अपना व्हाट्सएप खोल के चला रहे, और जो काम आसानी से हो जाए उसको कौन नहीं करना चाहेगा। तो इसमें तो सबसे पहले ना आपको इंस्टेंट लोन देने के फेक प्रॉमिस किए जाते हैं, और कुछ एप्लीकेशन तो ऐसी होती है कई बार कि जिसमें कोई डॉक्यूमेंट की नीड ही नहीं है, आप डाउनलोड करो और एप्लीकेशन से लोन ले लो। अब लोन पे जो इंटरेस्ट चार्ज करने वाले हैं ना वो लोग वो जानकारी आपको क्लियरली नहीं देंगे, और जो बॉरोअर होता है ना वो खुद भी अपनी जो फीस चार्ज करनी है उसके बारे में कुछ नहीं बताता। इसके चलते होता क्या है, जब आप फंस जाते हो आपको लोन मिल जाता है तब आपको पता चलता है जो इंटरेस्ट रेट मार्केट में है उससे 5 गुना 10 गुना ज़्यादा इंटरेस्ट रेट ये एप्लीकेशंस लेती हैं, और आपको फिर पता चलता है कि आप फंस चुके हो और आपको ये लोन चुकाना ही पड़ेगा। और जो बॉरर होता है ये आपको बाद में इन्फॉर्मेशन देता है कि हाँ मेरा पैसा इतना है, आपको फ़ोन आते हैं कि आपको 15% इंटरेस्ट रेट लग गया है, 12% इंटरेस्ट रेट लग गया है, और जब आप सुनते हो आपका दिमाग हिल जाता है कि यार इतना पैसा मैं कहाँ से दूँ। और ये जो एप्लीकेशन होती है ये इंट्रूसिव डेटा भी मांगती है आपका, इसका मतलब कि जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो तो लेती लेती है, लेकिन साथ में जो आपका कॉन्टैक्ट डिटेल ले ली, सारी पूरी कॉन्टैक्ट लिस्ट के नंबर उनके पास आ जाते हैं। कई बार कई केसेस में ये भी देखा गया है कि व्हाट्सएप भी हैक हो गया, इंस्टाग्राम भी हैक हो गया, ठीक है, फिशिंग कर ली जाती है, लिंक दे दिया जाता है, उस पर क्लिक करके आपकी आई डी का एक्सेस ले लिया जाता है। एंड सबसे बड़ी प्रॉब्लम कि आपकी मॉफ्ड फोटोज़ फोटोशॉप करके आपके रिलेटिव्स को भेजी जाती है और आपके जो करियर है उस पर दाग लगाने की कोशिश की जाती है। तो ऐसे ही ना पुणे के एक राज का भी केस आया था कि जब वो अपना लोन नहीं चुका पाए थे तो उन लोगों से उन्होंने उनकी वाइफ की न्यूड्स फोटो डिमांड करी, एंड जब उन्होंने नहीं दिया तो उन्होंने मॉफ फोटोज़ बना के
वो सारी फोटोज लीक कर दी। और ये जो एप्लीकेशंस होती है ना मार्केट में ना इलीगल तरीके से ही काम करती है, क्योंकि इनको पता है यार इलीगल तरीके से काम नहीं करेंगे, बिना डॉक्यूमेंट के कौन लोन दे रहा है। ये गुड्डे गुड्डियों का खेल तो है नहीं, है ना, कि आए और एप्लीकेशन डाउनलोड करी और लोन दे दिया। इसके पीछे ना बहुत शार्प माइंडेड लोग होते हैं, इसके पीछे बहुत तगड़ी स्ट्रैटेजी बनाई जाती है मार्केट को समझ के, और उस हिसाब से वो आपका आधार कार्ड जब लेते हैं, आधार नंबर लेते हैं, तो वो जानते हैं कि आपकी इन्फॉर्मेशन उनके पास आ चुकी है। और ये फ्रॉड, ये जो ट्रैप होता है, ये इतना दलदल की तरह होता है कि एक बार जब इंसान इसमें फंस जाता है ना, वो इंटरेस्ट चुकाते 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 फंस जाता है। होम लोन्स के साथ भी यही सब चल रहा है कि आप होम लोन लेते हो, अगर मान लो आपने 50 लाख का होम लोन ले लिया, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने अगले 10 साल 15 साल में 50 लाख से ज़्यादा का इंटरेस्ट पे कर दिया। और जब ये कैलकुलेशन एक नॉर्मल इंसान को समझ नहीं आती, जब वो किसी फाइनेंस के बारे में नॉलेज नहीं रखता, तब उसको पता चलता है कि उसका कट गया। तो यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा कि ये जो आसानी से मिलने वाली चीज़ें हैं ना, इनसे आपको दूर भागना है। इमरजेंसी के अंदर भी मैं बोलता हूँ, अगर आपके ऊपर बहुत बड़ी इमरजेंसी है और अगर आप लोन चुकाने के हालातों में नहीं हो, मैं रिकमेंड करूँगा प्लीज़ ऐसे एप्लीकेशन से लोन मत लेना, क्योंकि आपकी पर्सनल लाइफ को ख़राब कर सकते हैं। बट इंडिया में ऐसे भी कुछ लोग हैं जिनको अपनी इज्जत की कोई परवाह नहीं है, वो किसी गांव से बिलोंग करते हैं, उनकी फ़ोटो कुछ भी वायरल करते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये लोग भी ज़्यादा लोन्स लेते हैं, ठीक है, और इनकी कभी भी भुगतान नहीं कर पाते वो लोग। तो इसलिए जो लोन एप्लीकेशन वाले होते हैं वो उनको बहुत ज़्यादा थ्रेटन करते हैं, धमकी भरी आवाज़ों में कॉल करते हैं, मल्टीपल कॉल करते हैं, और ये चीज़ें इंडिया में अब बढ़ रही हैं। अब जो कुछ कस्टमर होते हैं ना, वो थोड़े से स्मार्ट होते हैं, वो क्या करते हैं कि वो मतलब कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड करने से पहले उसका एक रिव्यू देख लेते हैं। तो रिव्यू देखने से ना, आप सब जानते हो, अमेज़ॉन पे या फिर कोई और भी वेबसाइट पे आपको पता चल जाता है कि यार प्रोडक्ट के बारे में क्या है। वेल, ये जो फेक एप्लीकेशन होती हैं, इनके ऊपर रिव्यूज़ भी फेक डले होते हैं। यस, फेक एप्लीकेशन के फेक रिव्यूज़ भी होते हैं, एंड कई सारी वीडियोज़ में मैंने खुद भी ये चीज़ नोटिस करी है, और कई सारे लोगों ने खुद जिनके साथ ये फ्रॉड हुए हैं उनको खुद बताया कि भाई वो फेक होते हैं। एप्लीकेशन में जो हमने रिव्यूज़ डाले हैं गूगल प्ले पे या फिर कहीं पर भी, अगर आप किसी थर्ड पार्टी से डाउनलोड करते हो, तो फेक रिव्यूज़ हैं। एंड वो जो स्मार्ट लोग होते हैं उनको भी बेवकूफ़ बना दिया जाता है। और जब सामने वाले को लग जाता है कि यार रिव्यूज़ बढ़िया है, एप्लीकेशन फेक नहीं है, तो फिर क्या होता है, फिर होता है सबसे बड़ा प्रॉब्लम कि आपको धमकी भरे कॉल आते हैं, आपको थ्रेटन किया जाता है, एंड कई लोगों ने तो अपनी जान तक दे दी इस चक्कर में कि वो लोन नहीं चुका पाए। तो महाराष्ट्र में एक केस आया था जहाँ पर मोहित नाम के एक पर्सन ने लोन ना चुकाने के चक्कर में अपनी वाइफ के साथ और अपनी बच्चे के साथ सुसाइड कर लिया, दोनों को पॉइजन दिया और खुद भी फांसी लगा के उसने अपनी सुसाइड कर लिया। तो ये लोन ना चुकाने की वजह से इंडिया के अंदर ऐसी भी चीज़ें हो रही है। एक इंसान इस हद तक नीचे चला जाता है कि वो सामने वाले को इतना परेशान कर देता है कि वो अपनी लाइफ ख़त्म कर दे। और एक नॉर्मल इंसान अपने परिवार को बता भी नहीं सकता कि उसने एक ऐसी एप्लीकेशन से लोन ले लिया है जहाँ पर वो लोन नहीं चुका पा रहा है, इंटरेस्ट रेट इतने हैं और उसको रोज़ धमकी भरे कॉल आ रहे हैं जिससे उसको डिप्रेशन हो रहा है। और मेंटल प्रेशर सहना ना हर किसी की बात नहीं होती यार, बहुत सारे लोग ना डिप्रेशन में आके आत्महत्या कर लेते हैं। बीबीसी के मुताबिक संदीप कोरगांवकर इस नाम के पर्सन ने 4 मई को इसी धोखे के चलते अपनी लाइफ एंड कर। और वहीं पे बैंगलोर में रहने वाले रमेश रेड्डी, जिनका मैं असली नाम रिवील नहीं कर सकता उनकी प्राइवेसी के लिए, उन्होंने भी कुछ एप्लीकेशन से 30,000 रुपये का लोन लिया, और लोन ना चुकाने की वजह से जो उनका इंटरेस्ट रेट था वो बढ़ बढ़ के उनका जो टोटल भुगतान करने का अमाउंट था वो 5 लाख रुपए तक पहुंच गया, जिस वजह से उनको हाई बीपी हो गया और वो हार्ट अटैक से मर गए। उनको इतना प्रेशर बनाया गया, उनको इतनी धमकी देने लग गए वो लोग कि घर आ जाएंगे, तुम्हारे साथ ये कर देंगे, तुम्हारे साथ वो कर देंगे। उनके रिलेटिव्स के अंदर उनकी जो बेटी थी उनकी फ़ोटोज़ मॉफ करके भेजना शुरू कर दिया, पूरे समाज में इज्जत ख़राब कर दी, एंड आखिरी में वो हार्ट अटैक से इस दुनिया को छोड़ के चले गए। ऐसे अनगिनत किस्से मैं आपको सुना सकता हूँ, लेकिन ये जो ऑन रिकॉर्ड किस्से हैं मैं आपको वो बता रहा हूँ, जो रिकॉर्ड में किस्से नहीं है वो तो कितने ज़्यादा हों। जस्ट इज द डर्टी रियलिटी, डर्टी वर्ल्ड ऑफ लोन एप्लीकेशन। सारी रेगुलेटेड एंटिटीज, चाहे बैंक हो, चाहे कॉरपोरेटिव बैंक हो, या फिर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी हो, या फिर हाउसिंग फाइनेंस की कंपनी हो, सभी को ना इन रेगुलेशंस को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। इसके मुताबिक कोई भी एप्लीकेशन आपके नाम, पते और कॉन्टैक्ट डिटेल के अलावा आपकी किसी भी तरीके की इन्फॉर्मेशन स्टोर नहीं कर सकते, बायोमेट्रिक बायोडाटा भी नहीं। और अगर आप गलती से किसी ऐसे केस में फंस जाते हैं तो आप नेशनल साइबर क्राइम पोर्टल में भी अपनी कंप्लेंट को रजिस्टर करा सकते हैं, क्योंकि वो बहुत जल्दी एक्शन लेते हैं एंड आपकी प्रॉब्लम का वो सॉल्यूशन दे देते हैं। बट मैं कहता हूँ कभी लोन लो ही मत, ताकि आपको चुकाना पड़ जाए, और अगर आपको धमकियाँ आ रही हैं तो पक्का ज़रूर हेल्प की तरफ बढ़ो। और लगभग पिछले साल की बात है कि सरकार ने ऐसी बहुत सारी चाइनीज़ एप्लीकेशंस के ऊपर बैन लगा दिया था, एंड बैन लगाने के बाद जो लोग उस फ्रॉड में फंसे हुए थे वो बचे, और आगे आज भी ऐसे लोग हैं जिस वीडियो को देख रहे हैं जो इस चक्कर में फंसे होंगे। वेल, मैं आपको बता देता हूँ, कोई चिंता करने वाली बात नहीं है, आपको अपना लोन चुकाने के लिए ना आपने पूरे एफर्ट्स मार रहे हैं, एंड अगर वो बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं तो प्लीज़, मैंने बताया
कि आप साइबर क्राइम में इसकी कंप्लेन कर सकते हो। और कभी भी यार अपने फैमिली रिलेटिव्स में किसी को भी ये मत बोलो कि यार लोन के चक्कर में पड़ना है। वेल, मैं इस चैनल के ऊपर ना आपको ये बताता हूँ कि फाइनेंशियली फ्री कैसे बनना है, अपने आप को फाइनेंशियली स्टेबल कैसे बनाना है, कैसे मैंने 24 साल की एज तक लगभग 1 से 1.5 करोड़ रुपये का प्रॉफिट कमाया, कैसे मैंने अपनी इनकम को मंथली 7 फिगर्स में पहुंचाया, कैसे मैंने लाखों रुपए की इन्वेस्टमेंट्स करी एंड कैसे मैं आज फाइनेंशियली स्टेबल हूं अपनी लाइफ के अंदर, वो भी स्क्रैच से उठ के। ये सिर्फ स्किल्स को यूज करके ही हो सकता है। तो अगर आप ये सब सीखना चाहते हो, आप चैनल पे बने रहो यार, आपको यहाँ पे फंसने की कोई जरूरत नहीं है, आपको लोन्स की कोई जरूरत नहीं है अगर आपके अंदर स्किल्स हैं। अब आखिरी में आता है हाउ टू सेव योरसेल्फ फ्रॉम दीज स्कैम्स। तो इन एप्लीकेशन से बचने के लिए आपको सिंपली क्या करना है, वीडियोस के ऊपर रिसर्च करना है, 4-5 वीडियोस देखनी है एंड ज्यादा नहीं सोचना है, क्योंकि अगर आपने बिना रिसर्च के लोन ले लिया और अगर आपके ऊपर कोई बुरा टाइम आया है तो प्लीज इतना लोन मत लो कि आप उसको चुका ना पाओ। और लो तो रिसर्च करके एप्लीकेशन से लो। जैसे कुछ एप्लीकेशन जितना मुझे पता है नावी करके एप्लीकेशन है या फिर क्रेड है, ठीक है, ऐसे ऐसे करके एप्लीकेशन है या फिर खाता बुक है, वहां से भी आपको लोन मिल जाता है। तो मेक श्योर, अब मेरी बातों में मत जाना, प्लीज अपनी खुद की रिसर्च करना, क्योंकि मैं लोन लेता नहीं हूँ ना मैं रिकमेंड करता हूँ किसी को। तो आप जाके वहां पे देख सकते हो एंड रिसर्च करके ही आप कोई भी एप्लीकेशन पे अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करो ताकि आपको फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम फेस करने को ना मिले। तो इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो और अवेयरनेस फैली हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों में शेयर करना ताकि कोई भी पर्सन गलती से भी इस चक्कर में ना फंस जाए।